हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 1 की जो आंसर की आई है, उसके बाद आंसर की देखने के बाद कई सारे छात्रों की एक क्वायरी आ रही है कि छात्र का जो है आंसर सही दिया गया है, ठीक है, और आरआरबी उसे गलत बता रही है। ठीक है, मतलब कि अगर कैंडिडेट का आंसर फर्स्ट नंबर का है, उसने सही किया है, परंतु आरआरबी उसे उस ऑप्शन को बी को सही दे रही है, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैंडिडेट का जो सही आंसर है उसको आरआरबी ने गलत बताया है, तो इस कंडीशन में कैंडिडेट्स को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसे अपने आंसर को सही करना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास एक रास्ता ये भी है जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। परंतु दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए। वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वायरी कुछ इस प्रकार की है जो कि छात्र को परेशान कर रही है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट की जो आंसर की आई है उसमें छात्र का आंसर सही था, ठीक है, आरआरबी ने उसे आंसर को गलत बताया, ठीक है। यानी कि यदि छात्र का आंसर सही है, ए पर उन्हें क्लिक किया है, ठीक है, परंतु आरआरबी उसे बी को सही बता रही है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए छात्रों को, तो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन देखिए दोस्तों, कि कोई भी जब आंसर की आती है तो उसमें आपको बताया जाता है कि आंसर की में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो सकती है, कोई ऑब्जेक्शन लेने लायक क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्शन राइज का आपको मौका दिया जाता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन राइज का जो मौका दिया जाता है वो कब दिया जाएगा आपको, इस बारे में भी आपको बताएंगे। तो यदि आंसर की आपकी आई है तो जाहिर सी बात है आपके 100 क्वेश्चन थे, उसमें 100 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बाय मिस्टेक मल्टीपल शिफ्ट थी क्योंकि, तो बाय मिस्टेक कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि जहाँ पर या तो उसके एक क्वेश्चन के जो आंसर जो दो दो सही दे दिए जाते ऑप्शन में, ठीक है, या किसी के मल्टीपल भी आंसर सही हो जाते हैं, जैसे तीन आंसर भी कभी कभी सही देखने को मिल जाते हैं। तो उसको इस कंडीशन में अगर एक से ज़्यादा सही आंसर मिलते हैं तो इस कंडीशन में आपका उस क्वेश्चन को मार्क कर दिया जाता है, मतलब कि उस क्वेश्चन को उस क्वेश्चन पेपर में से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो वो सभी कैंडिडेट्स के लिए वो क्वेश्चन जो है हटा दिया जाता है, मतलब 99 क्वेश्चन के हिसाब से ही आपका मार्क्स कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद एक कंडीशन ये होती है कि यदि आपका आंसर सही है, ठीक है, और आरआरबी दूसरे आंसर को मतलब सही बता रही है, तो इस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा आरआरबी कहता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन लेने के लिए आपको 50 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस लगेगा, ठीक है। कैसे ऑब्जेक्शन रियाइज़ करना है आपको, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने आरआरबी एनटीपीसी का जो है ऑफिशियल, ठीक है, ऑफिशियल जो आंसर की का जो नोटिस जारी किया गया था आरआरबी द्वारा, उसको ओपन कर रखा है, ठीक है। ये एनटीपीसी का एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात कर ले कि यहाँ पर लिखा है व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर रिस्पांस कीज एंड रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ़ एनी टू क्वेश्चन ऑब्जेक्शन कीज, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन आप कैसे लेंगे, तो यहाँ पर एक्टिविटी में बताया गया है, ये थर्ड नंबर का आप देखिए, सेकंड नंबर का, ठीक है, रेजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन ऑप्शन एंड कीज एंड ऑनलाइन फी पेमेंट, ठीक है। तो जो आपको आपका अगर आंसर सही है और आरआरबी द्वारा दूसरे आंसर को सही दिया जा रहा है, तो इस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो कब से लिंक एक्टिवेट होगी, तो यहाँ पर देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, 18 तारीख मतलब कि कल रात 8 बजे से ये जो है लिंक को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, ठीक है, और इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद देखिए, क्लोजिंग ऑफ द व्यूइंग ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन एंड रेजिंग पेमेंट विंडो, ठीक है, तो यहाँ पर 23 अगस्त को उसकी विंडो जो है क्लोज कर दी जाएगी रात को 11:59 पर। इसी प्रकार से अगर हम देख लें कि ऑब्जेक्शन जो लेना रहता है वो किस प्रकार से लेना होता है, तो देखिए, कभी भी आप अगर किसी क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन लेना चाहते हो तो पहले अपने ऑब्जेक्शन देने से पहले कम से कम 3 से 4 लोगों से जो मतलब नॉलेज रखते हो उस विषय में, उनसे आप ज़रूर बातचीत कीजिए, राय मशवरा लीजिए, ठीक है, उनसे ज़रूर इन्फॉर्मेशन ले, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन आपका वेस्ट ना जाए, आपका अमाउंट वेस्ट ना जाए। और दूसरी बात यह है कि जो भी क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन राइज कर रहे हो वो हो आपका एनसीईआरटी बेस्ड पर, ठीक है, क्योंकि रेलवे जो क्वेश्चन पूछता है वो एनसीईआरटी बेस्ड पर पूछता है, जो प्रीफ्रेंस लगाए हो तो आप एनसीईआरटी का ही प्रीफ्रेंस लगाए, ठीक है। इसके बाद अगर यदि बात कर लेते हम, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ कैंडिडेट की जो है क्वायरी रहती है कि यदि मेरी शिफ्ट में अगर मेरा क्वेश्चन सही है, ठीक है, आंसर सही है, उसी शिफ्ट में रेलवे का मतलब वही क्वेश्चन जो है रेलवे ने गलत दिया है, उसी शिफ्ट में अगर एक और दूसरा कैंडिडेट है उसका भी वो आंसर जो है रेलवे द्वारा गलत दिया गया है, अगर ऑब्जेक्शन राइज ना करूँ और अगर जो दूसरा कैंडिडेट है वो ऑब्जेक्शन राइज करें,
ठीक है, बाकी कोई कैंडिडेट ऑब्जेक्शन राइज ना करे उस क्वेश्चन पर, तो इस कंडीशन में सिर्फ जो ऑब्जेक्शन करेगा उसी को बेनिफिट मिलेगा उस क्वेश्चन का, या फिर सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर देख लीजिए कि आरआरबी कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। अगर उस शिफ्ट में मान के चलिए 100,000 कैंडिडेट भी अगर पार्टिसिपेट किए हैं, तो वहाँ पर अगर 100,000 कैंडिडेट्स के क्वेश्चन पेपर जो है उसमें अगर सभी के, मतलब उसमें जाहिर सी बात है कि आपको आरआरबी के द्वारा मतलब आंसर शीट में गलत क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, परंतु अगर एक कैंडिडेट ने भी, 100,000 कैंडिडेट में से अगर एक कैंडिडेट ने भी ऑब्जेक्शन राइज किया है, तो उसका जो है बेनिफिट सभी, अगर वो आंसर सही पाया जाता है तो सभी कैंडिडेट्स को उसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, आरआरबी कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। कल रात को आप देख सकते हो कि कल रात को जो है 18 तारीख को रात को 8 बजे से आपकी ऑब्जेक्शन रेज करने की लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऑब्जेक्शन लायक क्वेश्चन निकले हैं, और जाहिर सी बात है मल्टीपल शिफ्ट थे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हुए, तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन के लिए क्वेश्चन ऐसे निकलना है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी और दोस्तों पसंद भी आएगी। तो वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई क्वायरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।